नमस्कार दोस्तों, आज मैं एक फॉरेस्ट में आपको ले जा रही हूँ। यहाँ पर पेड़ हमें खूबसूरती देते हैं, अच्छी हवा देते हैं और उसके साथ ही साथ हम उनसे और भी अपने जीवन में रोज़ इस्तेमाल होने वाली चीज़ों के लिए उनका रस लेते हैं, जैसा कि इस पेड़ को देखकर पता लग रहा है। इस फॉरेस्ट में आने के लिए चंडीगढ़ के बाद जब हम हिमाचल प्रदेश की तरफ जाते हैं तो सबसे पहला बड़ा शहर आता है मंडी। इसको हमने क्रॉस किया और अब बढ़े आगे की तरफ एक बहुत अच्छी खूबसूरत जगह जाने के लिए। बीच में आने वाले गांव जिनमें पहाड़ी पर छोटे छोटे खेत बने, सीढ़ी नुमा खेत जिन्हें कहते हैं, और यहाँ पर स्लेट की छत वाले घर अभी भी देखने को मिल जाते हैं जो कि पहाड़ी शहरों में नहीं देखने को मिलते हैं। सड़कें घुमावदार हैं और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हैं। पक्की सड़कें बनी हुई हैं लेकिन कहीं कहीं नैरो हो जाती हैं, तो लेन ड्राइविंग करनी पहाड़ों में बहुत अच्छी और ज़रूरी है, लेकिन उसके बाद भी कभी कभी बस को साइड देने के लिए रुक जाने में ही भलाई होती है। अब जहाँ मैं लेकर आ रही हूँ आपको, वो जगह बस आने वाली है। ये हम पहुंच गए धुआं देवी विश्राम घर में, जिसके पास ही धुआं देवी का मंदिर बना हुआ है। ये मंदिर मंडी शहर के बाद करीब आधा घंटा की ड्राइव पर आ जाता है और इसके एड्रेस में पंडोह को भी लिखा जाता है। यहाँ काफ़ी 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 श्रद्धालु आते हैं, बहुत ही ज़्यादा शांत और अच्छी जगह है। मंदिर के नियम कानून सारे यहाँ पर लिखे हुए हैं। ये शिलाएं भगवान की मूर्तियों से भरी हैं जिनकी रोज पूजा भी की जाती है। मंदिर पर रंग बिरंगा पेंट किया गया है, काफी अच्छे से इसको मेंटेन किया हुआ है, लेकिन अभी मंदिर बंद है इसलिए मैं आपको अंदर से दर्शन नहीं करा सकी। और सामने ही माता के शेर भी स्थापित किए गए हैं जिनकी भी पूजा की जाती है। बेंच लगाए गए हैं जिस पर बैठकर हम अपने शूज़ उतार सकते हैं, पहन सकते हैं आराम से, और इसके साथ ही बहुत बड़ा ग्राउंड है। यहाँ पर पूरी सूचना लिखी है कि अगर यहाँ पर कमरे लेने हों तो उसके लिए क्या क्या नियम होते हैं। अब मंदिर का एक दूसरा किनारा दिखाती हूँ आपको, जहाँ पर एक दुकान बनी हुई है और पहाड़ी महिलाएं हर काम करने में सक्षम होती हैं। कुल्हाड़ी से लकड़ी काटने का काम हो या कोई और काम हो, और ये यहाँ पर समोसे बनाए जा रहे हैं। आप चाहें तो रेसिपी देख सकते हैं। ये मंदिर थोड़ी हाइट पर है और यहाँ मौसम बहुत सुहावना होता है, और ऐसे मौसम में ऐसे ताजे समोसे अगर खाने को मिल जाएं तो मज़ा दुगना हो जाता है। चाय भी बनकर तैयार है। धन्यवाद। मंदिर परिसर के नियमों का बोर्ड यहाँ लगाया, बच्चे आकर यहाँ बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। और पास की झाड़ियों में एक रस भरा फ्रूट लगा है, मैं दिखाती हूँ आपको कि इसको क्या कहते हैं।
यहाँ उगे हुए चीड़ के पेड़ के हिस्से ये नीचे गिरे हैं, जिससे लग रहा है कि सूखी घास है। यहाँ भी बैठने के लिए इंतजाम किया गया और एक छोटा सा स्टेज भी बनाया गया, क्योंकि यहाँ हर साल 15 मई से 17 मई तक मेला लगता है। चाहे तो यहाँ शादियाँ भी की जाती हैं, यहाँ पर लंगर की व्यवस्था भी है, साथ में वॉशरूम भी बना हुआ है। अरे वाह, कितना अच्छा इंतजाम है ना, हवा नहीं आएगी यहाँ ना। हाँ, हवा नहीं आएगी फिर। ये किस किस चीज के पकौड़े? आलू के। अच्छा, आलू और प्याज। और ये समोसे। यहाँ आने का आजकल बहुत ही अच्छा मौसम है, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।